आज हम लोग एक ट्रिक डिस्कस करेंगे। इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी ग्रेट ऑफ कंक्रीट का मिक्स रेशियो आप इजी वे में बता सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को याद रखिएगा और मिक्स रेशियो पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, सो ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट आर एक्सप्रेस बाय अ लेटर एम फॉलोड बाय अ नंबर। कहने का मतलब क्या है, किसी भी ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट को एक्सप्रेस करते हैं एम एक लेटर से और एक नंबर से। और एम क्या होता है, एम रेफर करता है मिक्स और नंबर रेफर करता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस ट्रिक में M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। सो ये ग्रेड्स है, इन ग्रेड्स का रेशियो क्या होगा, रेशियो मतलब सीमेंट का पार्ट कितना होगा, सैंड का पार्ट कितना होगा और एग्रीगेट का पार्ट कितना होगा, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा M5 से लेकर M20 यहां तक जो ग्रेड्स होते हैं ये आपका नॉमिनल ग्रेड में आता है, नॉमिनल मिक्स में आता है। ठीक है, और नॉमिनल मिक्स क्या होता है, नॉमिनल मिक्स वो मिक्स होता है जिसमें प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और IS 4 5 2000 ये कहता है कि नॉमिनल मिक्स M20 ग्रेड या उससे कम के लिए ही हम नॉमिनल मिक्स लेते हैं। अब यहाँ पे M25 तो जनरली क्या होता है, M25 के लिए हम मिक्स डिजाइन करते हैं, उसका कोड मिक्स डिजाइन करने के लिए कोड होता है और कोड नंबर क्या होता है मिक्स डिजाइन का, IS 10262। ठीक है, याद रखिएगा। सो बात करते हैं M5 M7.5 का रेशियो की बात करेंगे, तो जो जितने भी ग्रेड्स हैं इनका जो सीमेंट पार्ट होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो पुट सबसे पहले लिख लीजिए 1 1 1 1 1 और 1। ठीक, अब यहाँ पे पहला क्या है आपका, दैट इज 5 M5 है, तो M5 है तो यहाँ पे सैंड कितना होगा, 5 होगा, 5 पुट कर दीजिए, 5 पार्ट होगा। देन इसके बाद एक एक आप घटाते जाइए, तो 5 हो गया, देन 4, देन 3, देन 2 और यहाँ पे बस याद रखिएगा वही 1.5 होगा, 1.5 देन 1। ठीक, और एग्रीगेट में क्या करिए, पार्ट में जिस सैंड का पार्ट है उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 5 है कितना हो जाएगा 10, 4 है तो कितना होगा 8, इसका 2 टाइम्स करेंगे दैट इज 6, इसका करेंगे 2 टाइम दैट इज 4, इसका करेंगे दैट इज 3 और इसका करेंगे दैट इज 2। बस आपको रेशियो मिल गया। तो आपको इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट का रेशियो याद करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है, सपोज आपसे पूछा जाता है कि M10 का रेशियो कितना होगा, तो M10 का रेशियो कितना होता है 1:3:6। ठीक है, कितना होता है 1:3:6। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा और इस पर बेस्ड ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट के मिक्स रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, द मिक्स रेशियो ऑफ M7.5 ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट इज, और ये रिसेंटली पेपर हुआ था अभी JKEE 2022 में, तो रेशियो पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया कि M7.5 का ग्रेड कितना होता है, दैट इज होता है 1:4:8, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी मेड यूजिंग द नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट शैल बी। ठीक है, ये भी रिसेंटली पेपर हुआ था JKEE 2022 में। अब देखिए यहाँ पे आपका ग्रेड है M7.5, M5, M10, M15। तो मैंने जो स्टार्ट किया था ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट नॉमिनल मिक्स के लिए वो कहाँ से स्टार्ट किया था, M5 से, देन M7.5, देन M10, देन M15 और M20। मैंने बताया था कि नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट जो होता है वो M20 और उससे कम ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मिनिमम ग्रेड कितना होगा, तो मिनिमम नॉमिनल ग्रेड कितना हुआ, M5 हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स MX, M स्टैंड फॉर द मिक्स एंड द न्यूमेरिक X रिप्रेजेंट द, SSJEE 2017 क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि जो कॉन्क्रीट मिक्स को उसको रिप्रेजेंट करते हैं MX, यहां पे गिवन है, मतलब कि हम लोग अगर सपोज करो M10 कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन है, कॉन्क्रीट मिक्स है, सॉरी M10 क्या है कि ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट है,
सो ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट एम है, तो एम क्या रिफर करता है, दैट इज मिक्स, मैंने बताया था. और 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर एम स्क्वायर. कौन सी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एट 28 डेज इन न्यूटन पर एम स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन सी, 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट एम 20 मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट ऑफ एम 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज इज गिवन बाय एसएससी जेई 2013 का क्वेश्चन है. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर एम 20 ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट है तो एम रेफर करता है मिक्स, 20 रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट 28 डेज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, दैट इज 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एम 20 द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेड एम 20 इज, एसएससी जे 2009 और 13 का क्वेश्चन है. तो एम 20 का रेशियो कितना होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है 1:1.5:3. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज नॉट इन कंफर्मेशन टू आर्बिट्रेरी ऑफ द कट प्रोपोर्शनिंग, एसएससी जे 2016 क्वेश्चन है. सो मैंने जितने भी ग्रेड्स का रेशियो डिस्कस किया था, तो क्या किया था, एम 5, एम 7.5, एम 10, देन एम 15, एम 20, एम 25, ठीक. तो ये कितना है, 7.1 होगा, हमने पहले बताया था, 1 पुट कर दिया. स्टार्ट कहां से, एम 5 है तो यहां से 5 से स्टार्ट होगा, 5, 4, 3, 2, 1.5, देन 1, इसका 2 टाइम्स कर दिया, 10, 8, 6, 4, 3, 2. सो इसमें से पूछा गया, इन जो ऑप्शन में पूछा गया, इसमें से कौन सा रेशियो नहीं होता है, तो 1:2:4 भी होता है, 1:1:2 भी होता है, 1:2:4 भी होता है, 1:3:6 भी होता है, बट 1:4:10 नहीं होता है, क्या होता है, 1:4:8 होता है. तो यहाँ पे नॉट वर्ड पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा. होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा.